लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है मिस्टर नायक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रोहन पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहा है जितना ये स्पोर्ट्स की तरफ दे रहा है। यू नो मिस्टर नायक, ही हैज फेयर्ड वेरी पुअरली इन हिज रिसेंट एग्जाम्स। आई नो सर। देखिए मिस्टर नायक, रोहन एक होनहार लड़का है, हमारे स्कूल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के अंदर भी अव्वल आए, इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आई नो, आई विल डू द नीडफुल सर, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर। कंसर्न की बात नहीं है मिस्टर नायक, आई रियली लाइक दिस लिटिल बॉय अ लॉट। सो रोहन इज गोना स्टडी हार्ड। यस। ओके, बाय बाय। नाक कटवा दी आज तुमने मेरी, तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल की चार बातें सुननी पड़ी। पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ, आपकी ट्रेनिंग से फुर्सत मिलेगी तब तो मैं पढ़ाई करूंगा। ज्यादा बकवास मत करो, चलो चल। रवि, रवि यार क्या हुआ? रोहन, रोहन घर छोड़ के भाग जाऊंगा मैं एक दिन, अब उस घर में रह नहीं सकता। रोहन ऐसा नहीं सोचते, तुम्हें अपने पापा की बात सुननी चाहिए ना, पढ़ाई तो करनी चाहिए। कब करूं मैं पढ़ाई? सुबह 3 घंटे और स्कूल से आने के बाद 2 घंटे वो मुझसे ट्रेनिंग करवाते हैं। इतना थक जाता हूँ कि बुक्स खोलते ही मुझे नींद आने लगती है। कैसे करूं पढ़ाई, कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं? मैं तुम्हारे पापा से बात करूं? लेकिन मैंने एक चीज एक्सेप्ट की है कि पापा के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शांत हो जाओ रोहन, ठीक है? लेकिन गलत सोच रहे हो तुम अपने पापा के बारे में। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तुमसे राक्षस है and I hate him। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। अंतरा के F&B मैनेजर बनने की खुशी में Cheers। थैंक्स। और एक बात, होटल ने इस मौके पर एक छोटी सी पार्टी दी है। पार्टी? वाह, ये तो तुम्हारी प्रमोशन से भी बढ़कर बात हो गई। आई लव पार्टीज। हाँ पान, सूट बूट पहन कर अपन एक दिन जेंटलमैन लगेगा। सूट बूट में तो पूरा बंदर लगेगा। हाँ, अगर मुंह केबल गिरा तो थोड़ा ठीक है। और हाँ, पार्टी में रोहन और आपको भी आना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो आएंगे ही, दे आर आर एस्कॉर्ट्स। थैंक्स, लेकिन हम दोनों पार्टी में नहीं आ सकेंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तो सिर्फ अंतरा और आंटी पे हंस रहा था कि वे इतना महीनों बाद ये भी ना समझ पाए कि आप ना एंजॉय करते ना दूसरों को एंजॉय करने देते। रोहन, कितनी उम्र कही आपने? जी आप ये और ये दीजिए। आज की पार्टी के लिए इन्होंने नया मेन्यू डिजाइन किया है माँ। हाय अंतरा। ओ हाय। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कितनी अच्छी लाइटिंग की है ना? रोहन तुम एंजॉय कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। दिस इज अंतरा, न्यू F&B मैनेजर। दैट्स मिस्टर देसाई फ्रॉम हमारा। सो वेयर हैव यू डन योर होटल मैनेजमेंट फ्रॉम? फ्रॉम बॉम्बे। I think Mr. Patil was your professor, right? Yeah, he was there. क्या उम्र थी रोहन की जब आदिति का देहांत हुआ? 1 साल का था वो। हुआ क्या था आदिति को? कैंसर, यूट्रस का। सैड। एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? जी। उसके बाद तुमने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? जी। रोहन छोटा था और फिर सौतेली माँ, मैं डर गया। अब तो रोहन बड़ा हो गया है, अब क्यों नहीं सोचते दूसरी शादी के बारे में? अब मुझसे शादी कौन करेगा और क्यों? थैंक यू वेरी मच अंतरा। चलो ना चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। चलते हैं, सब साथ ही खाएंगे। रोहन को भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। जी,
मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, आप खा लीजिए माया जी। नहीं, मैं भी थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। तुम जाओ अंतरा, तुम लोग खा लो। जी ठीक है, चलो रोहन। ए माइकल, क्या रोहन, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग जाती है? थोड़ी देर की तो बात थी, कुछ देर और रुक जाते तो हम लोग सब साथ में खाना खाते। साथ में खाना खाते तो पापा मुझे कुछ खाने ही नहीं देते। तीखा मत खाओ, ऑयली मत खाओ। तुम्हारे भले के लिए तो कहते हैं ना। एक बात पूछूं अंतरा, क्या तुम्हें मेरे पापा अच्छे लगते हैं? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं मगर मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं हाँ कहूँ तो? तो समझ लेना हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। चल पागल, चल खाना खाते। हेलो अंतरा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। एक दोस्त से मिलाना चाहता था, इफ यू डोंट माइंड। रोहन तुम खाना लेकर उस टेबल पर बैठो, मैं अभी आई। ही इज माय फ्रेंड मार्क फुडाडो। मार्क, शी इज आवर एफएनबी मैनेजर अंतरा पंडित। हाय। हाय अंतरा। एक्सक्यूज मी एंड हैव अ ड्रिंक एंड कम। या श्योर श्योर। अच्छा मैं चलती हूँ। अंतरा आज बहुत अच्छी लग रही। माइकल प्लीज। नो सीरियसली, इनफैक्ट पार्टी खत्म होने के बाद व्हाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक ऑन द बीच? माइकल यू आर ड्रंक। ओह कम ऑन, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम विधवा हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि यू कांट एंजॉय लाइफ। माइकल एक बार हाँ कर दो, आई विल गिव यू अ टाइम ऑफ योर लाइफ। स्टॉप इट माइकल, प्लीज प्लीज। अंतरा चलो। अंतरा जो आज अंतरा ऑफिस नहीं गई है? क्या बात है, कल भी पार्टी से जल्दी निकल गई और आते वक्त किसी से बात तक नहीं की। पार्टी में तो लफड़ा हुआ ना साहबा? लफड़ा? हाँ, मारिया बता रही थी अंतरा का होटल में कोई माइकल नाम का आदमी काम करता। कल पार्टी में उसने अंतरा के साथ बहुत मिसबिहेव किया। क्या नाम बता? माइकल। माइकल? हाँ। चलो निकले रे अपनी साइकिल, वाट लगी रे तेरी माइकल। एक्सक्यूज मी, इज माइकल देयर? माइकल वाज हियर, वेल देयर ही इज। आई डोंट नो हाउ आई रीच्ड हिम लास्ट नाइट। आई डोंट नो, आई वाज अ लिटिल ड्रंक। माइकल? यस वन श्योर। या What's the problem, man? Hey! Hey! Antra? Michael? How dare you come here? Just get out, please. I'm sorry, Antra. मैं जानता हूँ कल रात मैंने बहुत घटिया हरकत की। I'm really sorry I was drunk. I know I should have come in the morning to apologize. पर हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन रवि ने होटल में आके मेरी आंखें खोल दी। इट्स ओके माइकल, बट इन फ्यूचर बिहेव योरसेल्फ। आई विल मैम, सॉरी अगेन। रवि क्यों गया?
अंतरा, अगर तुम्हें रवि पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट मुझे भी रवि अच्छा लगता है। मम, ये सच है, मैं रवि को चाहती हूँ। पता नहीं वो क्या सोचता है। जाहिर है अंतरा, रवि भी तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत में उलझा हुआ आदमी खुद को दुनिया की नजरों से नहीं बचा सकता। जब तक रवि कुछ नहीं कहता, हमारा यूं बात करना फिजूल है मैम। मैं बात करूं रवि से? नो प्लीज मैम, अगर रवि के मन में ऐसा कुछ नहीं है तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। चल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसे मेहनत करोगे तो रेस जरूर जीतोगे। सिर्फ 14 दिन बाकी है रेस के लिए। आई वॉन्ट यू टू रियली वर्क हार्ड। ठीक है, बैठो। कुछ भी होगे तो? नहीं। हाय रवि। हाय, आप लोग यहाँ? हाँ, बस इसी तरफ शॉपिंग के लिए निकले थे, सोचा तुमसे और रोहन से मिलने। गुड। हे वाओ बोनीटा। रोहन, लीव इट अलोन। थोड़ा सा खाने दो ना। शट अप रोहन, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा चलो चलो बैठे। और कैसी चल रही है गणेश? अच्छी चल रही। तो चाय दे। ग्रेट, आज मैंने बिना रुके 5 लैप चॉक किए। अंतरा और रोहन की अच्छी बनती है, नहीं जी? और वो भी दोनों की उम्र में फर्क होने के बावजूद, शायद अंतरा के अकेलेपन की वजह से। अमित को क्या हुआ था? ब्रेन ट्यूमर। डायग्नोस करने में बहुत देर हो गई, 8-10 दिन में। I'm sorry. It was a nightmare. Really sorry. यहाँ गोवा नहीं आते तो खुद को संभालने के लिए हम दोनों को बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अमित की सारी यादें बंबई से बहुत जुड़ी हुई थी। I know, I can understand. फिर भी मुझे लगता है कि अंतरा को दोबारा सेटल हो जाना चाहिए, और मुझे यकीन है अगर अमित होता तो शायद वो भी यही चाहता। कितने साल हुए थे शादी होकर? 3। शायद एक बच्चा हुआ होता तो। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, हम प्लानिंग नहीं कर रहे थे। मुझे बच्चा नहीं हो सकता। I'm incapable of bearing children. Do you have a problem? मुझे? मेरा मतलब है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही अमित को कोई प्रॉब्लम थी इस बात को लेकर। और मॉम, आप खामखा ये बात क्यों छुपाना चाहते हो? एक ना एक दिन तो ये बात मालूम होने वाली है ना। मारिया, मेरे को आप पक्का मालूम कि हमारा साहिबा तुम्हारा मैडम को बहुत प्यार करता, मगर वो कभी एडमिट नहीं करेगा। हमको मालूम है, बड़ा मैडम छोटा मैडम से शादी का बात भी किया। फिर अंतरा मैडम बोलती कि रवि साहब पहले आकर उनको प्रपोज करना मांगता है। लेकिन मैं सोचता तुम्हारा मैडम हमारा साहिबा से पहले बहुत हेट करता। हाँ, पहले बहुत हेट करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब औरत जिस आदमी से बहुत हेट करता उसी से बहुत प्यार करता। अभी तुम हमको ये मत बोलना कि तुम हमसे प्यार करता। हाँ, बोलने ही वाला था। हाँ? तो पहले काय को नहीं बोला? कैसे बोलता, तुम इतना ब्यूटीफुल गर्ल और मैं इतना बच्चू। अरे पागल, प्यार में सूरत का क्या वास्ता? प्यार तो अंधा होता है। एक्चुअली हम भी तुमको बहुत प्यार करता है। तो मतलब मैं अभी रोहन का रेस खलास होने दो। मैं साहिबा से बोलता हूँ, फिर इस घर में एक नहीं दो दो शादी होगी तेरी मेरी। झिंका 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 झिंका।